प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक है कि यानी कि एडसेंस अकाउंट का वेरिफिकेशन कोड मेरा आ गया है, इससे हम काफी खुश हैं। इसको लेकर के हम सोचे कि आप लोगों को बता देते हैं कि एडसेंस अकाउंट होता क्या है और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। छात्रों तो सबसे पहले यानी कि एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए आपको किसी न किसी यानी कि ऑनलाइन अर्निंग का स्रोत होना चाहिए। ऑनलाइन अर्निंग का स्रोत का मतलब जैसे कि यूट्यूब चैनल हो गया, यानी कि मेरा YouTube चैनल पे है, YouTube चैनल हम बनाए, उस पर काफी मेहनत किए और YouTube चैनल का जैसे ही आपको यानी कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाचिंग आवर जब पूरा जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। और 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाचिंग आवर आपको पुराने के लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई इनकम नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब जैसा ही आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाचिंग आवर जब पूरा लेते हैं तो क्या होता है कि आपको यानी कि एक YouTube के द्वारा आपको बोला जाता है कि अब आप एक एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं और इस एडसेंस अकाउंट बना करके आपके वीडियो पर कोई ना कोई एड यानी कि प्रचार चला करके आप एडसेंस अकाउंट के द्वारा एडसेंस पर आप रुपया कमा सकते हैं और वह रुपया आपको डॉलर के रूप में मिलता है। इसीलिए उस वक्त आपको जब आपका चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाचिंग आवर जब पूर जाएगा तो आपको क्या करना पड़ता है, एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। मेरा एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी यानी कि 1 ईयर लमसम पहले हम बनाए थे लेकिन हमको उतना जानकारी नहीं मालूम था, इसी कारण बस हमको क्या हो गया था यानी कि कॉम्पेन चालू हो गया था। और कॉम्पेन का मतलब होता है कि आपके एडसेंस अकाउंट के ऊपर में भी एक प्रचार चलता है, ठीक है। कॉम्पेन के ऊपर मतलब होता है कि एडसेंस अकाउंट के ऊपर प्रचार था, इसी प्रचार के कारण मेरा क्या हो गया था यानी कि बहुत सारा डॉलर मेरा कट गया था, ठीक है। और यह सब कट जाने के पश्चात हमने देखा कि मेरा यानी कि क्यों नहीं डॉलर आ रहा है, तो उसके बाद हम लमसम यानी कि जून जुलाई में हमने इसका सही आकलन करके हमने अपने एक दोस्त को बताया, वो हमको बताए कि यानी कि कैसे कैसे इसको सही किया जाता है और उसके बारे में फिर हमको सही से बताए। तो हमने क्या किया है, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया तो इसका फिर हम अच्छा यानी कि एडसेंस अकाउंट को हमने ठीक ठाक किया और इसके बाद मेरा यानी कि डॉलर और यानी जून जुलाई से यानी कि मेरा ऐड होने लगा, यानी कि एडसेंस अकाउंट में ऐड होने लगा। और उसके बाद मेरा एडसेंस अकाउंट में धीरे धीरे करके, और आपको जब एडसेंस अकाउंट में $10 से अधिक हो जाएगा तो आपको एडसेंस अकाउंट बोलेगा कि आप अपने पते को वेरीफाई कीजिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी को भी एडसेंस अकाउंट बनाने से पहले आपको एक बात की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि यानी कि आपको एडसेंस अकाउंट केवल और केवल एक बार बनाने का ऑप्शन मिलता है। एडसेंस अकाउंट केवल एक बार ही आप बना सकते हैं अपने नाम से, ठीक है। और इसके बनाने के लिए आपका उम्र 18 ईयर्स क्रॉस होना चाहिए, यानी कि 18 साल उम्र पास हो जाना चाहिए। और एडसेंस अकाउंट बना लेने के बाद आप में जैसे ही $10 से ज्यादा हो जाएगा तो आपको $10 पूर्ते ही आपका YouTube बोलेगा कि आप अपने एड्रेस को वेरीफाई करा लीजिए। एड्रेस वेरीफाई कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर आपको पूरा का पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा। एड्रेस जैसे ही आप डाल दीजिएगा तो YouTube वहां से आपके पते पर एक पिन वेरीफाई के लिए भेजेगा, और वह पिन कैसा होता है यानी कि वह पिन के लिए हमने अप्लाई कर दिया था लमसम आज से 3 मंथ पहले, लेकिन 3 मंथ पहले हमने अप्लाई किया था और वह पिन हमको नहीं मिल पाया था, ठीक है। क्यों नहीं मिल पाया था इसका हमको नहीं पता, लेकिन फिर ने और YouTube का एक यानी कि एडसेंस का एक रूल होता है कि प्रत्येक 30 दिन बाद यदि इस 30 दिन के अंदर में नहीं पिन मिला तो फिर आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, और फिर यदि दोबारा में भी 30 दिन के अंदर नहीं मिला तो आप फिर पिन के लिए आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पिन के लिए 3 बार अप्लाई कर दीजिएगा और उसके बाद भी अगर पिन नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 3 बार में अगर पिन नहीं आए तो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन उसका शायद कभी कभी जरूरत पड़ता है, लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ। हमने भी यानी कि जुलाई अगस्त में हमने पहले ही बार यानी कि लमसम 26-27 अगस्त को यानी कि हमने पिन का ऑर्डर किया लेकिन पिन हमको नहीं मिला। फिर 30 दिन के बाद हमने फिर सितंबर में ऑर्डर किया, फिर नहीं मिला तो फिर हमने क्या किया यानी कि 30 अक्टूबर को हमने ऑर्डर किया, ठीक है। 30 अक्टूबर को ऑर्डर किया और मेरा लास्ट चांस था यानी कि पिन यानी कि पते पर भेजने वाले अप्लाई करने के लिए। तो और आखिरकार में हमको कल यानी कि कल शाम को यानी कि 16-17 तारीख को शाम को हमको पोस्टमैन से, हम काफ़ी दिनों से कांटेक्ट कर रहे थे कि मेरा पिन गूगल पिन आएगा और आएगा तो आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। तो उनको भी याद था हमारे बारे में
इसीलिए कल शाम को जब मेरा पिन के बारे में उनको मैसेज आया कि बलराम कुमार नाम से कोई पिन आया है, तो हमको कल शाम को ही कॉल कर दिए थे कि बलराम तुम्हारा पिन आ गया है। तो हम बोले चलिए ठीक है। हम शाम को ही लेने के लिए काफी उतावले हो रहे थे क्योंकि काफी दिनों से इस पिन का इंतजार था। और यही पिन होता है, यह पिन क्या होता है, यही पिन के जरिए हम अपने YouTube पे इनकम कर सकते हैं। यह पिन मेरा पते का वेरिफिकेशन का कोड था, अब हम डाल दिया। अब इसके बाद मेरा YouTube पे यानी कि अर्निंग मेरे अकाउंट में अपने आप जुड़ता रहेगा। और क्या होता है यानी कि इस प्रकार का हमको गूगल एडसेंस पिन हमको प्राप्त हुआ। इसके अंदर में क्या रहता है, इसको जैसे कि हमको किसी भी एक साइड से हम इसको फाड़ करके इसके अंदर को हम खोल सकते हैं। तो इसको खोल कर देखते हैं, इसमें 6 अंक का कोई कोड रहता है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे देखिए मेरा नाम इसमें दिया हुआ है, बलराम कुमार रोसी बल्थी रसुलपुर बोचहा मुजफ्फरपुर, यानी कि पिन कोड है 84 31 18। इस प्रकार से मेरा पूरा एड्रेस इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद क्या है, इसके अंदर में एक पिन रहता है, ठीक है। और यह पिन देने के बाद इसमें पूरा बताया गया है मामला कि कैसे कैसे इसको हमको वेरीफाई करना है। इसका वेरीफाई हम अभी करेंगे, यानी कि थोड़े देर के बाद इसको हम करेंगे। और इसको वेरीफाई हो जाने के बाद अब क्या होगा, यानी कि हमने यूट्यूब इसको वेरीफाई कर देने के बाद क्या होगा कि हम जैसे ही पिन को वेरीफाई कर देंगे तो हमसे एक अकाउंट मांगेगा, कोई ना कोई बैंक अकाउंट मांगेगा। उस बैंक अकाउंट को हम एडसेंस अकाउंट से जोड़ देंगे। तो क्या होगा, 21 तारीख को एडसेंस का रूल चलता है कि 21 तारीख को एडसेंस अकाउंट अपना यानी कि जो भी मेरा अर्निंग रहेगा उस पे डॉलर यानी कि $100 से अधिक होना चाहिए, जो भी डॉलर रहेगा वह डॉलर को 21 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और बैंक अकाउंट में अंततः 21 तारीख को ट्रांसफर कर देता है, आरटीजीएस करता है, इसीलिए वह पैसा यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर में अकाउंट में पहुंच जाता है। और लमसम 23 तारीख तक वह पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा हमको इसलिए पता है क्योंकि हमारा दो दोस्त और एक यूट्यूबर है, और वो दोनों दोस्त है जो यूट्यूबर है वो उसका भी स्टडी चैनल ही है, इसीलिए वह सब के सहायता से ही हम भी अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा है कि यानी कि अब मेरा पहला एडसेंस पिन आ गया है, इसके बाद अब मेरा अर्निंग स्टार्ट रहेगा। इसके बाद अब मेरा लगातार वीडियो आता भी रहेगा। कुछ दिन पहले हम काफी निराश हो गए थे, ज्यादा दिनों से वीडियो बना रहे थे, केवल मेहनत कर रहे थे और यानी कि कुछ अर्निंग नहीं हो रहा था, इस कारण थोड़ा सा निराश हो गए थे, इसी कारण हम आगे वीडियो नहीं बना रहे थे। लेकिन अब लगातार वीडियो आता रहेगा। एक दो दिन और छठ पूजा का, एक दो दिन बाद छठ पूजा है। आप लोगों को एक बात और बता देना चाहते हैं कि छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, यानी छठ पूजा के बाद से लगातार वीडियो आता रहेगा, ठीक है।